नमस्ते बच्चों, आज हम 5.3 समांतर सीढ़ी योगफल ज्ञात करना है। समांतर 5.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं, 5.3 निम्नलिखित समांतर सीढ़ियों का योग ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज 5.3, ठीक है। पहला क्वेश्चन है योग ज्ञात करना है, पहले का पहला। ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है 2, 7 और 12, ठीक है। उसके बाद लिखा है 10 पदों तक योग याद करना है। आपको कहां तक याद करना है? 10 पदों तक योग याद कीजिए, ठीक है। 10 पदों तक योगफल याद करो, योगफल याद करो। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 5.3 का ये पहला क्वेश्चन है, यहां लिखेंगे हल। पहला पद इसमें क्या है? a बराबर कितना है? 2 है। d कितना हो जाएगा? 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। n आपको दे ही रखा है, कितना दे रखा है? 10 दिया हुआ है, ठीक है। योगफल, योगफल ज्ञात करने का सूत्र अलग होता है, Sn, ठीक है। इसका सूत्र होता है n बट्टे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट 1, ठीक है। ये सूत्र लगाना है योगफल के अंदर, ध्यान रखना। योगफल का एस एन बराबर एन बट्टे 2 फिर ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद और d, इस सूत्र की सहायता से हम योगफल ज्ञात करेंगे। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एन बट्टे 2, एन का मान कितना है? 10 है, 10 बट्टे 2 लिखेंगे यहां पर। 2a का मान कितना है? 2 है, 2 ऐसे लिखना है आपको, प्लस एन की जगह 10 लिखेंगे, 10 माइनस 1। डी का मान कितना है? 5, तो 5 लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। 10 में 2 का भाग लगाएंगे, 5 आ जाएगा, 2 दूनी कितने हो गए? 4 हो गए। 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, और 9 में 5 की गुणा करो, 9 5 45 होते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। 10 में से 1 गया 9, 9 को 5 से गुणा कर दी, 9 5 45, फिर यहां 5 लिख देंगे, इनको जोड़ लीजिए, 45 और 4 49 हो जाएंगे, ठीक है। अब इनकी गुणा कर लीजिए, 5 9 45, असल 4, 5 20 और 4 24, 245 आंसर आ जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, पहले का पहला क्वेश्चन हो चुका है। कौन सा? पहले का पहला क्वेश्चन कंप्लीट आपका। बहुत सरल क्वेश्चन है, एकदम अच्छी तरह से आपको समझा दिया है, ठीक है। अब हम इसका दूसरा भाग करेंगे, ठीक है ना। पहले का पहला भाग कर लिया, हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसका। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें पहले का दूसरा क्या लिखा हुआ है? माइनस का 37, फिर लिखा हुआ है माइनस का 33, फिर लिखा हुआ है माइनस का 29 डैश डैश, और 12 पदों तक योगफल ज्ञात करना हो। 12 पदों तक योगफल ज्ञात करो, योगफल ज्ञात करो, ठीक है। ध्यान से देखिए, a का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 37, जो पहला पद होता है ना वो a होता है, ठीक है। अब b कैसे याद करेंगे, ध्यान रखना, d याद करने का सूत्र भी होता है, a2 - a1, दूसरे पद में से पहला पद घटाना होता है। a2 कितना है? -33 है, या -33 लिख सकते हैं, फिर माइनस। A1 कितना है? माइनस का 37 है, माइनस का 37 ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखना। तो माइनस का 33, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 37 आ जाएगा। 37 में से 33 जाएगा, 4 बचेगा प्लस का, तो D का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, D बराबर कितना आ जाएगा? 4। और N आपको दे ही रखा है, कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है, 12। अब Sn वाला सूत्र लगा दो, Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट बंद। n का मान कितना है? 12 है, 12 बटे 2। 2a का मान कितना है? माइनस का 37 है, ध्यान रखना। प्लस n का मान कितना है? 12 - 1। d का मान कितना है आपके पास में? d 4 है, ध्यान रखना। 12 में 2 का भाग लगाएंगे, 6 आ जाएगा।
37 को 2 से गुणा कर दीजिए कितना आ जाएगा, 37 दुनी 74 होते हैं, माइनस का 74 आ जाएगा, प्लस 12 में से एक जाएगा 11, 11 में 4 की गुणा कर दो, 11 चौके 44 होते हैं, ठीक है। अब माइनस 74 में से 44 घटा लीजिए आप लोग, यहां देखिए एस एन बराबर आप लिखोगे, ये तो 6 लिखना है, फिर माइनस 74, 4 में से 4 गया 0, ठीक है, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, माइनस की संख्या बड़ी है यहां पर माइनस का निशान आ जाएगा, इनको गुणा कर लीजिए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 180 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस को 180, 6 3 18 जीरो लग गया चिन्ह माइनस का 7 में आ जाएगा, तो एस एन बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 180 आंसर आ जाएगा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सरल क्वेश्चन है, एस एन वाला सूत्र लगा के सीधा योगफल ज्ञात करना है आपको, ठीक है। अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे इसका, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0.6 फिर कोमा 1.7 उसके बाद लिखा हुआ है 2.8 लिखा हुआ है और डैश डैश करके और 100 पदों तक योगफल ज्ञात करना है, कितने पदों तक 100 पदों तक योगफल ज्ञात करो, योगफल ज्ञात करो, ठीक है, ध्यान से देखिए आप लोग अच्छी तरह से लिखेंगे। आल ए का मान कितना है 0.6, डी निकालेंगे हम, डी आपको पता है a2 - a1 होता है, a2 1.7 है माइनस a1 कितना है 0.6, घटा लीजिए 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, 1 में से 0 जाएगा 1, 1.1 आ जाएगा, D का मान कितना आएगा और N दे रखा है आपको 100, ठीक है, ऐसे N वाला सूत्र लगा दीजिए, N बटा 2 2A प्लस N माइनस 1 D, ठीक है, N का मान कितना है 100 है, 100 बटे 2, 2A का मान कितना है 0.6, इसे लिखना 0.6 प्लस एन का मान कितना है 100 - 1 और डी का मान कितना आया था 1.1, ध्यान से लिखना अच्छी तरह से, कोई गलती मत करना, 100 में 2 का भाग लगो 50 आ जाएगा, 0.6 के अंदर आप 2 की गुणा करो 2 छिन्न 12 होते हैं 1.2 आ जाएगा, ध्यान रखना, प्लस 100 में 1 घटाओ 99 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 99 और गुणा करनी है 1.1 की, ठीक है, यहां तो ये 50 लिखना है आपको, फिर 1.2 आ जाएगा प्लस 99 के अंदर 11 की गुणा करो और 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है, 11 9 99 होते हैं, कितने होते हैं 11 9 99 होते हैं, फिर 11 9 99 और 9 कितने होते हैं 108 होते हैं, 108 और 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है 108.9 है ना और 1.2 इनकी जोड़ कर लीजिए पहले, ठीक है ना, 50 ये एसएन तो लिखना ही आपको और यहां ऐसे करके इनकी जोड़ करो, देखो पहले आप लिखो 108.9 लिखो और 1.2 लिखो, इनकी जोड़ करो आप लोग, 9 और 2 11 आंसर 1, 8 1 9 1 10 10 की 0 आंसर 1 हो जाएगी, फिर 1 आ जाएगा 1 आ जाएगा, 110.1 आ जाएगा, कितना आएगा 110.1, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, फिर इसमें 50 की गुणा करनी है, ठीक है, अब ध्यान रखना इस पॉइंट को हटाओगे आप बट्टे में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है ना, इसको ब्रैकेट मत लगाओ बोले, ठीक है, इस पॉइंट को हटाओगे बट्टे में कितना आ जाएगा 10 और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, अब 5 × 11 = 0 1101 है, गुणा कर लीजिए 5 × 5 = 0 और 5 × 5 = 5 5505 आंसर आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट का है, थोड़ा ध्यान और सावधानी से आपको सॉल्व करना है, ध्यान से अच्छी तरह से, ठीक, कोई भी गलती न हो,
इसलिए पॉइंट वाले में विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए आप लोग, इस पहले क्वेश्चन के अंदर चार क्वेश्चन है, ठीक है ना, अब इसका चौथा क्वेश्चन है। पहले में चार ही क्वेश्चन है और चौथा क्वेश्चन देखिए, पहला लिखा है एक बट्टे पंद्रह, एक बट्टे पंद्रह कोमा एक बट्टे बारह कोमा एक बट्टे दस, और टेस्ट टेस्ट करके इसने कहा है 11 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए, 11 पदों तक योगफल ज्ञात करो, योगफल ज्ञात करो। ठीक है, ध्यान से देखिए, ए का मान कितना हो जाएगा, एक बट्टा पंद्रह हो जाएगा, डी का मान कितना हो जाएगा, इस एक बट्टा बारह माइनस एक बट्टा पंद्रह, इसका एलसीएम लीजिए, बारह और पंद्रह का एलसीएम कितना आ जाएगा, साठ आएगा। ठीक है ना, बारह पंजे साठ होता है ना, पांच एकम पांच हो जाएगा, पंद्रह चौके साठ होते हैं ना, चार को एक से गुणा कर चार रहेगा, और पांच में से चार जाएगा एक बट्टा साठ, तो डी का मान कितना आ जाएगा, एक बट्टा साठ, और एन आपको दे ही रखा है इसने, कितना दिया हुआ है, एन बराबर कितना आ जाएगा, ग्यारह। ठीक है ना, एन बराबर कितना है, ग्यारह। अब एस एन का सूत्र लगा लीजिए आप लोग, एस एन बराबर एन बट्टा दो टू ए प्लस एन माइनस वन डी ब्रैकेट बंद, एन का मान कितना है, ग्यारह, ग्यारह बटे दो लिख दीजिए ब्रैकेट बंद टू, ए का मान कितना है, एक बट्टे पंद्रह, एक बट्टा पंद्रह लिख दीजिए, प्लस एन का मान कितना है, ग्यारह, ग्यारह माइनस एक, डी का मान कितना है, एक बट्टा साठ, ध्यान रखना ब्रैकेट बंद कर दीजिए, और ग्यारह बट्टे दो, दो को एक से गुणा करो, ये दो बट्टे पंद्रह हो जाएगा, ध्यान रखना, प्लस ग्यारह में से एक जाएगा दस बचेगा, ठीक है ना, कितना बचेगा, दस, दस को एक से गुणा करो दस ही आएगा, और बट्टे में क्या आ जाएगा, ये साठ हो जाएगा। ठीक है, और ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक बट्टा छह हो जाएगा, ध्यान रखना कितना हो जाएगा, एक बट्टा छ, एस एन बराबर ग्यारह बट्टा दो, और देख लो दो बट्टे पंद्रह प्लस एक बट्टा छह, देखो ग्यारह में से एक जाएगा दस बचेगा, दस को एक से गुणा करो दस बट्टे साठ आएगा, ठीक है ना, तो जीरो से जीरो कैंसिल होगा, एक बट्टा छह आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक बट्टा छह आ गया, ग्यारह बट्टे दो, इसका पंद्रह और छह का एलसीएम कितना आ जाएगा, तीस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तीस एलसीएम आ जाएगा, पंद्रह दूनी तीस होते हैं, दो को दो से गुणा कर लेना चार आ जाएगा, छह पंजे तीस होते हैं, पांच एकम पांच हो जाएगा। ठीक है, ग्यारह बट्टा दो चार पांच नौ बट्टा तीस हो जाएगा, ठीक है, ग्यारह नौ निन्यानवे हो जाएगा, और तीस दूनी कितने हो गए, साठ हो गए। अब ये तीन के पहाड़े से कटते हैं, ठीक है ना, तीन के पहाड़े से कटो, तीन तीन नौ, तीन तीन नौ, तीन दूनी छह और जीरो, तैतीस बट्टा बीस आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तैतीस बट्टा बीस आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन हो चुका है। तो पहले में चार क्वेश्चन थे, चारों चारों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है, कंप्लीट चार क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।